हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनहाज। मेरे नाम कायनात निसार है और मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखती हूँ। इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स गर्ल भी हूँ और हमारी जो टीम है स्पोर्ट्स की, वो डिफरेंट इवेंट्स के लिए हम सबको जाना पड़ता है मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुल्क के। इसी सिलसिले में कंपटीशंस थे हमारे गिलगित में, तो हमारी टीम और हमारे साथ एक ड्राइवर था, तो हम लोग तकरीबन पूरा दिन हम लोगों ने ट्रैवल किया। और पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद हमारा जो ड्राइवर था वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया था थकन की वजह से, बहुत थक गया था वो। कि उसने कहा कि मैं आगे ट्रैवल नहीं कर सकूँगा, क्योंकि अगर मैंने ट्रैवल किया तो ये फिर ख़तरा होगा हम सब के लिए, और क्योंकि मे बी उनको नींद आ जाए या कुछ इस टाइप का इशू भी हो सकता है। और ये बात तकरीबन मैं आपको बता रही हूँ 2019 की, और एक साल पहले की बात है। तो हम लोगों ने इरादा किया कि हम लोग यहीं पे करीब तरीन जो कोई होटल है, वहाँ पे एक होटल है, उसका नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन वहाँ हम लोगों ने हमें रूम बहुत मुश्किल से मिले, दो रूम्स मिले हमें। हम तकरीबन 8 या 9 लोग थे। फिर खैर हम लोगों ने रूम्स में चेक इन किया और तकरीबन रात के होंगे 11 या 12 के बीच का कोई टाइम था। खैर फिर हम लेट गए, सब काफ़ी थके हुए थे हम सब भी। तो मैं लेटी हूँ, मेरा जो है मेरा हमेशा से इशू रहा है कि जब भी मैं किसी नई जगह पे जाती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है बहुत ज़्यादा। मैं अगर या तो बहुत ज़्यादा थक जाऊँ तब भी मुझे नींद नहीं आती। खैर बाकी टीममेट्स तो मेरे सो गए थे, मेरे साथ ही करीब मेरी एक जो फ्रेंड थी वो मेरी साथ ही बैठी हुई थी। हम दोनों अभी मतलब सोने की तैयारी कर रहे थे, और तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे बिल्कुल सामने एक छोटा सा, मतलब हम छोटे से रूम में थे, इतना होगा कि तकरीबन 2-3 फुट के फासले पे मैंने तकरीबन 5-6 तकरीबन लोगों को देखा, औरतें थीं। वो इतनी लाइट नहीं थी हमारे रूम में क्योंकि हम अंधेरा कर चुके थे, लेकिन बाहर की विंडोज़ से इतनी रोशनी आ रही थी कि मुझे नज़र आ रहा था कि हमारे रूम में तकरीबन 6-5-6 लोग तकरीबन खड़े हुए बिल्कुल मेरे सामने, और मैं उनको देख रही हूँ। अपनी आईज़ ज़ोर ज़ोर से मैं मतलब ब्लिंक कर रही हूँ और मतलब आईज़ रब भी कर रही हूँ और देख रही हूँ कि ये क्या है। मतलब मैं इतनी थक चुकी थी तो मुझे लगा मे बी मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ। मैंने अपनी जो मेरे साथ फ्रेंड बैठी हुई थी, मैंने उसको हिलाया, मैंने कहा उठो, ये देखो ये कौन है, मतलब ये कौन है, देखो। मैं लिटरली बोल रही थी कि ये कौन है नज़र आ रहे हैं मुझे, ये 5-6 लोग ये कौन है। तो मेरी फ्रेंड मुझे आगे से कहती है नहीं कोई भी नहीं है रूम में, आप थक गए हो, आप लेट जाओ, कोई बात नहीं। तो मैंने जो है टैबलेट ली हुई थी ताकि मुझे नींद आ जाए, तो मैं बस इग्नोर करके वो बात मैं तो सो गई। फिर तकरीबन 5 बजे के टाइम मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ थी वो मुझे जगाने की कोशिश कर रही थी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मुझे लगा ऐसा कि ये मुझे नमाज़ के लिए उठा रही है। उस टाइम मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई क्योंकि मैं इतनी थक चुकी थी, और फिर वो टैबलेट खा के तो नमाज़ मेरी कज़ा हो गई थी और मैं दोबारा से सो गई, और फिर मुझे पता नहीं चला। फिर मैं तकरीबन सुबह 7 बजे के टाइम उठी दोबारा से। फिर जब हम लोग दोबारा से गिलगित के लिए रवाना हुए तो मेरे साथ वही मेरी सहेली जो मेरी साथ ही सो रही थी रूम में, मुझे कहने लगी कि आपको रात को क्या हुआ था। तो मैंने उसको बताया कि मुझे ये हुआ था। तो मुझे कहती है मैंने उसको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे थे, बिल्कुल ऐसा ड्रेसअप था उनका जैसा कि कोई अरेबिक लोग होते हैं या कोई अरेबिक औरतें होती हैं जिन्होंने फुल ब्लैक ब्लैक जो है ड्रेसअप किया होता है, या जैसे अबाया पहना हो उन्होंने, या इस टाइप का कुछ। तो मैंने उसको ये सब बताया। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन मैंने आपको वहाँ पे होते हुए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा आप डर जाओगे।
तो मैंने उसे पूछा कि क्या बात, तो उसने मुझे बताया कि तकरीबन 5 बजे के टाइम जब मैं आपको उठा रही थी तो मुझे बताती है कि मेरी नज़र विंडो की तरफ पड़ी है और मैं देखती हूँ कि तकरीबन 6 से 7 लोग जो हैं वो विंडो में खड़े हुए, और विंडोज़ ट्रांसपेरेंट थी हमारी, तो कह रही है कि बिल्कुल तकरीबन 6 से 7 औरतें आदमी खड़े हुए थे और बिल्कुल स्टिल होके वो हमें देख रहे हैं, और मैं कह रही है कि मैं उनको देख रही हूँ कि ये कौन है और हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। ज़ाहिर बात है वो होटल है और इस तरह से किसी का देखना तो बहुत वियर्ड बात है। मुझे कहती है कि मैं गई हूँ, उठी हूँ उसी टाइम पे, कहती मैं सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए, कहती मैं मुड़ी हूँ ऐसे, और जब मैं वापस उस साइड पे देखा है तो कहती कोई नहीं, कहती मैं फ़ौरन उठी हूँ और मैं बाहर निकली हूँ दरवाज़ा खोल के, तो कहती है आसपास देखा कोई भी नहीं। वो रूम्स ऐसे थे कि बाहर का जो एरिया था वो बिल्कुल ओपन था और रूम्स काफ़ी दूर दूर थे, तो तकरीबन इतना टाइम लगता था कि अगर कोई हमारे रूम से किसी और रूम की तरफ जाए तो इतना जल्दी कोई नहीं जा सकता कि वो कोई 10 सेकंड में ही गायब हो जाए। तो मुझे कहती है मैं देखा, मैं हैरान परेशान, कहती है मैं बहुत डर गई और मैं वापस आकर और मैं लेट गई, और फिर उसके बाद तकरीबन सुबह के टाइम फिर कहती है उस जब हमने चेकआउट किया तो फिर मैंने आपको ये बताया, क्योंकि मैं नहीं बता रही थी आप डर जाओगे रात को। अस्सलाम वालेकुम मिन्हाज भाई, मेरा नाम हसनैन है। मैं कराची के इलाके लियारी से बात कर रहा हूँ। मैं और मेरे 3 दोस्त, हम 2018 में, नवंबर का महीना था, हम पाकिस्तान टूर गए थे। तो हम पाकिस्तान टूर गए तो हम कुछ एबटाबाद वगैरह गए, दूसरे शहरों में। फिर हम मानसेरा आए, मानसेरा में हम होटल ढूंढ रहे थे, कुछ रात का वक्त था। तो हम होटल कुछ इस तरह का ढूंढ रहे थे कि हमें बस कुछ ही घंटे गुजारने थे, रात गुजारनी थी और सुबह हमें निकलना था नारायण कागान के लिए। तो हमें चाहिए था कोई चीप रेट वाला होटल, बस नाइट स्टे करना था हमें किसी भी तरह। तो हम 2-3 होटल देखे हमने, फिर हमें एक होटल हमने देखा जो हमें नॉर्मल था, एवरेज होटल था, 3 सिंगल बेड वाला, और हम टोटल 4 बंदे थे। तो हमने कहा ठीक है, 2 बंदे सिंगल सिंगल बेड शेयर कर लेंगे, और मैं और मेरा दोस्त जो थोड़े स्लिम हैं तो वो एक ही सिंगल बेड पे हम एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने वो रूम बुक कर लिया। वो रूम थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आता था, वो बस फ्लोर पे तकरीबन हमारा रूम था, और उसी के बिल्कुल सामने साइड पे रूम बने हुए थे, लेकिन जो हमारी लाइन थी उसके अंदर से सिर्फ एक हमारा ही रूम था, अलग था तक सबसे, कोने वाली साइड थी। तो हम जब उस रूम में घुसे तो घुसते ही लेफ्ट साइड पे उसका वॉशरूम था, और 3 सिंगल बेड थे, 2 सिंगल बेड राइट साइड पे कोने में एक साथ लगे हुए थे, और 1 सिंगल बेड वो वॉशरूम वाली लाइन में था। तो मेरे दोस्त ने कहा यार इसको उठा के भी ना हम इसके साथ रख देते हैं, और फिर हम तीनों चारों साथ में ही हो जाएंगे तो ज़्यादा मसला नहीं होगा। हमने कहा ठीक है। हमने उस वॉशरूम वाली जो लाइन में बेड था उसे उठा के हमने अपने साथ वाले बेड के साथ लगा दिया, और वो था भी टीवी के सामने, तो हमने बोला ठीक है हम उसको उठा के वहाँ रख देते हैं। हमने उसे उठा के वहाँ तो रख दिया। हम लगे हुए थे अपने, कोई हैंड फ्री लगा के मोबाइल में था, कोई क्या कर रहा था, कोई टीवी देख रहा था। तो मेरा जो जिसका बेड हमने उठा के अपने साथ लगाया था, उस बेड पे जो दोस्त सोया था वो काफ़ी टाइम से बेचैन हो रहा था। तो हमने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, तो उसने कुछ बताया नहीं। हमने कहा खैर थका हुआ होगा, नींद वगैरह नहीं आ रही होगी। तो हमने उसे इग्नोर किया और हम अपनी बातों में लग गए।
तो फिर जो मेरे साथ जो दोस्त सोया था उसने कहा यार वो सामने जाके वॉशरूम के सामने वाली लाइन में, मतलब सामने जाके बैठ गया थोड़ी देर। उसने कहा वैसे ही अभी लेटना ही है तो मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ। वो सामने की तरफ जाके बैठ गया और अचानक नहीं तकरीबन 10 मिनट बाद वो वापस आके लेट गया। मैंने क्या हुआ? तो उसने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ, और वो कंबल ओढ़ के सो गया। तो मुझे हैरानगी हुई कि अभी उठ के गया बैठने के लिए और 10 मिनट में उठ के आ गया, 5-10 मिनट में, बता भी नहीं रहा, डायरेक्ट आके कंबल में चला गया हैंड फ्री वगैरह रख के। बट खैर कुछ हुआ होगा। वो कब जो बेचैन हो रहा था दोस्त, तो उससे भी मालूम किया, वो भी बस इसी तरह लेटा हुआ था, ना वो सो रहा था ना कुछ। मैंने कहा होगा कुछ, इग्नोर किया मैंने भी, मैं हैंड फ्री लगा के मोबाइल में लगा रहा, सब खामोश हो गए, एक कोई सो गया होगा। तो इतने में मैंने भी मोबाइल रखा और मैं भी सो गया। कुछ 12 या 12 साढ़े 12 बज रहे थे, मैं सो गया। और इतने में फिर करीब अंधेरा किया हुआ था, हमने कमरे की लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी थी। तो मैंने फिर 3 बजे मेरी आँख खुल गई, हमें उठना था करीब 5 बजे के हम फजर पढ़ के फिर निकल जाएंगे यहाँ से। तो 3 बजे मेरी आँख खुल गई। 3 बजे जब मेरी आँख खुली तो कुछ बिल्कुल ही अजीब सा फील होने लगा और अजीब ही खौफ आने लगा उस कमरे से। तो मैं खैर दुआएं वगैरह आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी, मैं खैर कुछ नहीं अंधेरा है, थोड़ा दूर निकले मैं तो होता है डर लगता है। तो लेटे 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 नींद नहीं आ रही, बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तो मैं उठा और मैंने लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन कर दी, इसके बावजूद कुछ अजीब सी कैफियत और अजीब सा महसूस हो रहा था। तो मैंने तकरीबन 4 बजे ही अपने सब दोस्तों को उठाया और मैंने कहा बस सही है यार, उठ जाते हैं, थोड़ा तैयारी करेंगे तो अभी टाइम हो जाएगा और बस फिर निकलते हैं। तो बस इसी उसमें हमने जल्दी जल्दी तैयारी वगैरह की, हम निकले। तो हम जब रूम से निकले और बाहर आए तो बस हम ये बातें कर रहे थे, तो मैंने उन सबको बताया कि यार पता नहीं कुछ अजीब सा फील हो रहा था, मेरी आँख खुल गई, सब सोए हुए थे कमरे में, अंधेरा था, मैंने लाइट भी ऑन की, लेकिन कुछ अजीब सा डर लग रहा था। तो जो दोस्त बेचैन हो रहा था अपने बेड पे, वो मुस्कुराया मेरी तरफ देख के। उसने कहा कि अच्छा ये हुआ? मैंने बोला जी। बोला हुआ तो मेरे साथ भी कुछ था, लेकिन मैंने इस वजह से नहीं बताया कि सब डर जाएंगे, कोई रात निकाल नहीं पाएगा, और मैंने भी अपना वहम समझा तो वो कुछ शेयर नहीं किया। मैंने पूछा क्या हुआ? तो उसने हम तीनों को बताया कि हमने जब बेड वहाँ उठा के रखा और जब मैं सोया हुआ था तो मुझे तकरीबन यही फील होता रहा कि मेरे पाँव के पास कोई बैठा हुआ है और मुझे घूर रहा है। जब उसने ये बोला तो हम सब शॉक हो गए। मैं बोला यार पहले बता देते भाई, हम रूम खाली कर देते। उन्होंने कहा नहीं यार, इतनी ठंड में रात के वक्त कहाँ रूम ढूंढते, वो मैं भी उतना वहम समझा। बोला अजीब सी बेचैनी मुझे भी हो रही थी वहाँ पे। बोला कोई कोई घूर रहा था वहाँ बैठ के। बोला अच्छा। और फिर उस दोस्त ने बताया, बोला मैं वहाँ जो उठ के गया था बैठने के लिए, मैं क्यों आ गया था? तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ? उसने बोला जी। बोला क्या हुआ? तो उसने कहा कि यार मुझे एक बार लगा कि वो वॉशरूम वाली लाइन जो है उस तरफ से एक काला साया निकला स्पीड में। मैंने कहा नहीं यार। बोला मेरे साथ भी ऐसा इस तरीके से हुआ तो मैं समझा वहम होगा, लेकिन मैं फिर मोबाइल में लग गया। फिर मुझे दूसरी बार जब इस तरह का फील हुआ ना, मैंने बोला यार यहाँ कुछ ना कुछ है, और बोला मैं आके कंबल में सो गया और फिर मैंने ये किसी के साथ शेयर नहीं किया, वहाँ कुछ तो था। तो हमने कहा यार खैर अल्लाह ने बचाया, अब ऐसा कुछ हमारे साथ बड़ा हुआ नहीं, हम खैर खैरियत से फिर वापस भी आ गए। तो खैर ये एक एक्सपीरियंस हुआ हमारे साथ। अस्सलामुअलैकुम मिनाज भाई, मेरा नाम उसामा है और मैं
पिछले 2-3 साल से मेलबर्न में रह रहा हूँ, और मैं आपको अपना ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा। मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये जिस जगह हम गए थे, जहाँ पे हमारे साथ ये पूरे वाक़यात हुए हैं, उस जगह का नाम है लॉरेंडल मेंटल असाइलम। और ये जगह वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से बनी हुई है। जो सबसे ज़्यादा मेंटल पेशेंट्स थे वर्ल्ड वॉर 1 के और वर्ल्ड वॉर 2 के, वो यहाँ पे आते थे, उनका इलाज करते थे बेसिकली। ये तो ऐसे ही था। मुझे इसके बारे में, इस वाक्य के बारे में पता चला एक दोस्त से। हम लोग इकट्ठे ही रहते थे, तो उसने मुझे बताया, कहता कि ये ऐसे ऐसे एक जगह है, तो इधर ना पुलिस के साथ भी काफ़ी वाक़यात हो चुके थे पहले। अब ये हिसाब था कि मुझे वैसे ही वाकई में इन चीज़ों से बड़ा डर लगता है। मैं नहीं कहीं पे, मतलब मेरा नहीं दिल करता कि मैं किसी ऐसी जगह पे या कोई भी ऐसी हॉन्टेड चीज़ देखूं, या मतलब मेरा दिल ही नहीं करता ऐसा। तो खैर, अब ये वाक़या हुआ हमारे साथ, ये जनवरी की बात है, 2020 जनवरी 2020, कोरोना से पहले की बात होगी। उन दिनों कोरोना इतना कॉमन नहीं था मेलबर्न में, आजकल तो लॉकडाउन है। तो अब हुआ हमारे साथ ये कि मैं काम पे था, और हमारे एक दोस्त था, उसको बड़ा ना इन चीज़ों का शौक़ था। हम तीनों इकट्ठे एक ही घर में रह रहे थे। तो अब हमारे साथ ये हुआ कि वो जो दोस्त था, उसको बड़ा वो दोस्त वगैरह पहले ही ना उस दिन कहीं पर जाके ना ऐसी कोई हॉन्टेड जगह एक्सप्लोर करने जा रहे थे। तो उन्होंने कहा चलो देख लेते हैं ऐसी ना हॉन्टेड जगह। मैं काम से वापस आया, इन्होंने मुझे कहा कि तुम ना कपड़े पहन लो अच्छे, और ना नीचे शूज़ वगैरह पहन लो। तो मैंने कहा शायद पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे। मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे रास्ते में बताया कि यार हम उधर जा रहे हैं उस जगह पे ना, जहाँ पे वो मेंटल असाइलम है। मैंने कहा मैंने तो नहीं जाना, आप मुझे उतार दो, आप खुद चले जाओ। खैर, उन्होंने बात नहीं मानी। हम 4 लोग थे, 3 लड़के थे और 1 लड़की थी हमारे साथ। तो अब हम जब उस जगह पहुँचे हैं, बिल्कुल मेरे से 12 बजे का टाइम था रात का, और बारिश हो रही थी, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो अब बेसिकली जब हम उधर पहुँचे हैं ना, तो मैंने पहले भी सुना हुआ था कि इधर पुलिस वालों के साथ भी काफ़ी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। और जो आम घर वाले हैं उधर घर बने हुए, बेसिकली उधर कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, तो उधर आसपास इलाकों में ऐसी चीज़ें उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस की हैं, कि जिसकी वजह से कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जिसको कह लें आप, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हैं। अब ये हिसाब था, तो मैंने सोचा कि मुझे लगा कि अंदर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने बेसिकली उसकी विंडोज़ तक कवर की हुई थी, वो जो असाइलम था उसकी विंडोज़ तक कवर की हुई थी, और बाकी हर चीज़ मतलब ना उसकी कवर की हुई थी। तो अब बेसिकली जब हम उधर गए हैं ना, तो बड़ी एक ईरी सी फीलिंग आई, मतलब बड़ी डिस्टर्बिंग सी फीलिंग आई, कि मतलब आप इधर मतलब क्यों, अंदर क्यों आना चाह रहे हो या बाहर क्यों जाना चाह रहे हो। तो इस वजह से मेरा तो नहीं दिल चाह रहा था कि मैं अंदर भी जाऊं, लेकिन अब दोस्तों ने कहा चलो नहीं, अब इतना दूर आए हैं, कोई देखते हैं क्या क्या बनता है ना, क्या एक्सपीरियंस क्या होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर, गाड़ी से निकले हैं, बारिश है, हम लोगों ने अम्ब्रेलाज वगैरह निकाली अपनी और गए। तो अब जहाँ पे फेंस लगी हुई थी ना, वहाँ फेंस के बीच में से रास्ता था, और जो मेन एरिया था ना, जहाँ पे सारे ज़्यादातर वाक़यात हो चुके हैं, उसके ऊपर उन्होंने तकरीबन 8 फुट लंबी फेंस लगाई हुई है, और उधर लिखा हुआ है, बाकायदा गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है कि प्लीज़ डू नॉट एंटर, वार्निंग प्लीज़ डू नॉट एंटर। तो अब जो दूसरा एरिया था, उधर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, और वो भी उस चीज़ का पार्ट ही था। अब इन्होंने कहा नहीं चलो, अगर इधर नहीं जा सकते ना, तो इधर चलते हैं, जाके देखते हैं अंदर से मतलब क्या बना हुआ है। अब मैंने कहा चलो ठीक है, इधर क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमने फेंस जो है ना, साइड से थोड़ी सी जगह थी, हम उधर से टाप के तो हम लोग अंदर चले गए। अब टाप के अंदर गए हैं, तो क्या हुआ जी, पहले तो मैं अंदर जाने को तैयार नहीं था। अच्छा, फिर हम जब अंदर गए हैं ना, जब उस बिल्डिंग के पास गए हैं, तो बेसिकली उधर भी कंस्ट्रक्शन ही चल रही थी। उन्होंने सारा ना मतलब तोड़ा हुआ था, फर्श भी तोड़ा हुआ था, सब कुछ तोड़ा हुआ था। तो अब जब अंदर गए हैं, गीली मिट्टी हो रही है बारिश की वजह से, और ये वो, और बाकी उधर हवा के अंदर ना हमें एक आवाज़ आ रही है, बड़ी अजीब सी आवाज़ आई है, जैसे कोई सीटी बजा रहा है। तो वो दोस्त ने मुझे कहा तुमने सुना, मैंने कहा हाँ सुना है मैंने। तो वो
वो ज़रा थोड़ा सा ना डिस्टर्बिंग था हमारे लिए। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा डर गया, मैंने कहा कि पता नहीं कुछ अजीब सा ना हो। अब जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था ना, और ये लोग कह रहे थे अंदर जाना है, अब मैंने जब आवाज़ सुनी ना, मेरा दिल करे कि मैं इधर से ही ना वापस चला जाऊँ घर, मैंने अंदर नहीं जाना, मैं बहुत डर गया था। तो अब ये हुआ हमारे साथ कि ना अब वो जो जहाँ पे सीढ़ियाँ थी ना, अब उधर से मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी के पाँव फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही, जैसे कोई नीचे आ रहा है। ऊपर जाने की तो फुटस्टेप्स की आवाज़ अलग होगी, नीचे आने की फुटस्टेप्स की आवाज़ थी वो, कि जैसे कोई नीचे आ रहा है। अब मैंने तो इनको बोला, ये कहते नहीं नहीं तुम्हारा वहम है। तो मैं थोड़ा सा, मैंने कहा चलो फिर वहम ही हो सकता है। खैर इन्होंने कहा नहीं नहीं थोड़ा सा चलो अंदर चलते हैं। अब इनके साथ अंदर गए तो अंदर देखा कुछ भी नहीं था, बस ना मतलब टूटा हुआ था सब कुछ। और अंदर ना ऐसा था जैसे कि अंदर ऐसा था बस, अब ये कह लें कि जैसे ना दीवारों पर स्क्रैच मारे हुए थे, क्योंकि मेंटल असाइलम था और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये था। अब उसके अलावा मैं और जो दूसरा दोस्त था ना, इस इधर खड़े हुए थे, और जो लड़का और वो दूसरा दोस्त और लड़की थी वो उसके साथ खड़ी हुई थी, वो कहते लेट्स गो अपस्टेयर्स। तो हमने कहा कि अपस्टेयर्स तो नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे तो आवाज़ आई है ऊपर से किसी के नीचे आने की। तो मैं डरा हुआ था, मैंने कहा नहीं मैंने तो ऊपर नहीं जाना। तो इन्होंने ना ऐसे ही मजाक में दोस्त ने कह दिया कि इफ़ समवन इज़ देयर प्लीज़ शो योर सेल्फ। तो उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, उस टाइम हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हमने कहा जी इतना बहुत हो गया, अब वापस चलते हैं घर। तो खैर वो मना मनू के ना, तो हम लोग घर वापस आ गए। अब हमारे साथ ये हुआ कि हम लोग जब जा रहे थे ना, जो मेन बिल्डिंग है बेसिकली, जिस पे 8 फुट के वो उन्होंने फेंसिंग लगाई हुई है, अब उधर जब गए हैं ना, उधर जाते साथ ही हम इन्होंने ना अंदर लाइटें मारी हैं। तो अब मैंने क्या देखा कि हमें ऐसा लगा, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे अंदर से कोई देख रहा है ना हमें, बड़ी गंदी फीलिंग आ रही थी। तो खैर अब देखा है अंदर लाइटें मार रहे हैं, मुझे ऐसा लगा है कि कोई औरत है या कुछ तो है, कोई साया सा है, कि वो दीवार पे उल्टा बैठा, उसकी आंखें चमक रही हैं और वाइट उसने ड्रेस पहना हुआ है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है ऐसा, मैंने खैर इन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा तुम्हारा वहम हो सकता है। मैंने कहा नहीं नहीं यार मेरा वहम नहीं है, मुझे नज़र आ रहा है, बाकायदा देखो तो सही, लाइटें मार रहे थे अंदर, ऊपर से वो जो मेन एरिया था उसकी छतें भी टूटी हुई थी, और ये वो ना बड़ा पुराना बिल्ड था, मेरे से 1910 में बिल्ट हुआ था शायद, वो वर्ल्ड वॉर से पहले ही बिल्ट हुआ था। तो ये हिसाब था। अच्छा अब हमारे साथ क्या हुआ, हमने देख दुख लिया, मतलब ठीक है एक्सपीरियंस हो गया हमें। अब हम वापस गए घर, मतलब पहले हमने एक दोस्त था उसको छोड़ा, अब हम तीन जो दोस्त हैं अब हम घर आ गए। अब घर आए हैं तीनों दोस्त, तो हम बैठ के ना ऐसी बातें करने लग गए। मैंने टीवी लगाया, टीवी पे ना यूट्यूब पे बेसिकली उसकी डॉक्यूमेंट्री थी एक लॉरेंडन मेंटल असाइलम की, जो गोस्ट बस्टर्स और मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं वो उधर गए। अब हमारे साथ क्या हुआ कि जब हम देख रहे हैं एकदम से ना हमारे घर की लाइट चली गई। आप यकीन जाने जब घर की लाइट की, और इधर कभी भी ऐसा नहीं होता कि लाइट चले जाओ, और घर की हमारी लाइट सिर्फ एक किचन की लाइट जल रही थी, और हमारे सारे कमरों की लाइटें बंद हो गई, सारी चीज़ें बंद हो गई। अब हम लोग, मैं तो इतना डर गया था, मैंने तो कहा भाई मैं तो घर से जा रहा हूँ। अब जब ये हिसाब हुआ ना, सारे ही जब तक सुबह नहीं हुई मैं तो नहीं सोया, मुझे नहीं पता बाकी के दो, वो हम लोग साथ ही बैठ के बात कर रहे थे कि मतलब एकदम से ये क्या हो गया। मुझे वही फिर याद आया कि ये वो जो इसने हरकत की है कि प्लीज़ शो योर सेल्फ, मुझे लगता है उसने अब अपनी प्रेजेंस तो हमें फील करवा दी है कि भैया अब आइंदा के बाद ऐसी कोई चीज़ ना करना जो हमें डिस्टर्बिंग हो। तो अब ये जब चीज़ हुई है उसके बाद से तो मैं इतना डिस्टर्ब हो गया कि बस फिर घर के अंदर जाना रात के टाइम पे वो। और अच्छा मज़े की बात यह है कि सुबह जो था हमारे घर की लाइट खुद ही सही भी हो गई और वो सारी लाइटें जल भी गई। अस्सलाम वालेकुम मिनाज, क्या हाल हैं आपके, ठीक हो आप? अच्छा सर, उमर अनीस नाम है मेरा, और मेरा जो वाकया है वो बेसिकली मैं जो इस बार जो 2019 में हज हुआ था, मैं हज पे गया था अपनी वाइफ के साथ।
तो मेरे साथ वहाँ पे दो वाक़यात हुए थे बेसिकली। तो हुआ ये था कि हम हज से अराउंड 4 या 5 दिन पहले मक्का पहुँचे थे और हमें अज़ीज़िया में रखा गया था। तो जिस दिन हम वहाँ पहुँचे थे तो उस दिन तो सारे उम्रा वगैरह करने के बाद सारे थकन की वजह से रुकने रूम में आके सो गए थे। अच्छा, फिर हुआ ये कि हम उम्रा वगैरह करके जब होटल आए थे तो अराउंड 4 साढ़े 4 बज रहे थे और फजर का टाइम था। अब फजर वगैरह पढ़ के हम सारे रूममेट्स जो थे वो दोबारा से सो गए थे। और फिर नाश्ता वगैरह करने का टाइम था नहीं और ऐसे ही मतलब सारे नींदें पूरी करने के लिए थकन अपनी उतारने के लिए सो गए। तो जहर का टाइम था आई गेस, हम सारे रूममेट्स सो रहे थे और मुझे अंदाज़ा नहीं था। बेसिकली मैं सोता बहुत बुरे तरीके से हूँ, अल्लाह माफ़ करे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गया है, बट मैं बे मतलब अजीब तरीके से सोता हूँ। तो उस वक्त ये हुआ था कि हमारे रूम में 4 बेड थे और मैं जिस तरीके से सो रहा था मेरे पैर किबले की तरफ थे, मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का। तो मुझे ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा है मेरे मुंह के ऊपर और मैं बेड से नीचे गिरा और मेरी आँख खुली। मैं काफ़ी डर गया, अल्लाह अकबर, मतलब काफ़ी ज़्यादा डर गया था मैं उस वक्त। फिर उठा, टाइम देखा तो जहर का टाइम था जिसमें थोड़ी देरी बाकी थी। तो सब रूममेट्स को उठाया, वज़ू वगैरह किया, नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने अपने एक रूममेट को कन्विंस किया कि यार मुझे बेड चेंज करना है। तो उसने मुझसे बेड चेंज कर लिया। अब मैंने उस वक्त तक किसी को नहीं बताया था, मैंने बोला यार कोई डर जाए बिला वजह बुरी बात है। तो ये जब बेड चेंज हो गया उसके बाद मेरा जो रूममेट था उसे मैंने किसी को भी ये बात बताई तो नहीं थी, बट उसके साथ भी एग्जैक्ट यही सीन हुआ था। उसे उसके भी जो पैर थे उसने किबले की तरफ रख के सोया था और उसे भी चमाट पड़ी थी बहुत ज़ोरदार। तो ये हुआ था। उसके बाद जो है हमने अपने जो हज के हम जिनके साथ गए थे हमारे, उन्हें हमने ये चीज़ बताई तो उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम तो है, क्योंकि हमारे साथ जो दो मुफ्ती साहब थे उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही थी। उनके कपड़े ये दरवाजे के पीछे जो हैंग करने की जगह होती है वहाँ अपने कपड़े रखते थे, बट उनके कपड़े जो है डस्टबिन के अंदर पड़े हुए मिलते थे, कपड़े बीच में से कटे हुए मिलते थे, एज इन जैसे किसी ने कैंची से जो है काट के उनको ख़राब कर दिया हो। तो ये वाकयात हुआ था हमारे साथ इस मरतबा हज पे। सर बहुत शुक्रिया।